हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, तो सब रेडी हो, स्टार्ट करते हैं। देखो, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर पार्क इज 72 मीटर एंड इट्स एरिया एंड रेडियस। बहुत ईजी सवाल है। तो पहले तो पेरीमीटर ड्रॉ किया जाए। देखो, ड्रॉ मैं यहाँ पर करता हूँ पेरीमीटर। अरे ऐसे ही कर लेते हैं, फिगर पता नहीं क्यों अच्छा बन नहीं होता है, टैब में ही दिक्कत है। चलो कोई नहीं, ये पेरीमीटर दिख ही रहे ना सबको। चलो, ये सेमी सर्कुलर पार्क है, पेरीमीटर बोल रहा हूँ, सॉरी, सेमी सर्कल तो दिख रहा है ना सबको। ये एक सेमी सर्कुलर पार्क है, इस तरह से पार्क बना हुआ है। पता नहीं इस तरह से क्यों बनाया है इसे पार्क को। होता है कोई इन पर डिजाइन ऐसा होता है। ये रहा सर्कुलर पार्क, सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर। सर्कुलर पार्क तो मैंने भी देखा है, सेमी सर्कुलर पार्क मैंने अभी तक नहीं देखा है। अगर तुम लोग में किसी ने देखा है तो मुझे कॉमेंट करना। इफ द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर पार्क, ये रहा हमारा सेमी सर्कुलर पार्क है, हमारा आधा सर्कल, सेमी सर्कुलर तो आधा सर्कल। तो इफ़ द पेरीमीटर सेमी सर्कुलर पार्क 72 मीटर, सेमी सर, हमें यहाँ पर पेरीमीटर गिवन कर दिया है, मतलब इसका ये जो कर्व लाइन प्लस ये जो लाइन को हम अगर मेजर करेंगे तो 72 मीटर निकलेगा। इसका ये मतलब होता है ना। पेरीमीटर क्या होता है? आउटर बाउंड्री का लेंथ कितना है, आउटर बाउंड्री जो है उसका लेंथ कितना है। तो आउटर बाउंड्री का लेंथ है 72 मीटर। तो इस फिगर में आउटर बाउंड्री क्या है आपका? ये सर्कुलर पोर्शन है, सर्कुलर लाइन है यहाँ पर, सर्कुलर बाउंड्री प्लस दिस स्ट्रेट बाउंड्री, इसको दोनों को मिलाओगे तभी तो होगा ना आपका पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर, जो सेमी सर्कुलर पार्क। ओके, तो सवाल में बढ़ते हैं। सवाल में यहाँ पे लिखा है पेरीमीटर हमें गिवन कर दिया है। देखो, बहुत सवाल इजी है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है और रेडियस भी। तो पहले हम यहाँ पे लिखते हैं पेरीमीटर, स्टेटमेंट यहाँ से शुरू होता है, पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर पार्क, पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर पार्क। तो सेमी सर्कुलर, मैं यहाँ पर मार्क लिखने वाला था, पार्क है ना, सेमी सर्कुलर पार्क। सेमी सर्कुलर पार्क कितना है? 72 मीटर। ओके, अच्छा, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर पार्क इक्वल टू 72 मीटर है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, इक्वल टू खोजो, कहाँ इक्वल टू, ये रहा इक्वल टू आपका, इक्वल टू इस तरफ है आपका एलएचएस पार्ट, ये रहा आपका आरएचएस पार्ट। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर पार्क, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर पार्क की जगह हम फॉर्मूला लिखने वाले हैं यहाँ पर। क्या है फॉर्मूला, मैंने आपको बताया था, बताओ क्या है फॉर्मूला? पाए आर, याद रखो, नहीं भूल गए तो याद रखो, पाए आर प्लस डी, ये था पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर का फॉर्मूला। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर फॉर्मूला क्या है? पाए आर प्लस डी। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर पार्क यहाँ पर जो लिखा हुआ है, एलएचएस की तरफ लिखा हुआ है स्टेटमेंट, तो एलएचएस की जगह ही मैंने यहाँ पर लिखा है, और आरएचएस की जगह पर जैसा है आपको वैसे लिखना है, 72 मीटर। ठीक है, इक्वेशन बन गया। चलो, अब हम इससे इस इक्वेशन की हेल्प से आर निकालेंगे। तो बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि आर कैसे निकलेगा, यहाँ पे तो डी है, डी है तो आर कैसे निकलेगा? देखो कैसे निकलेगा, डी है, डी को बच्चों हम 2 आर लिख सकते हैं कि नहीं बताओ, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो डी की जगह मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ आर, मतलब 2 आर इक्वल टू 72 मीटर। मत लिखो कैलकुलेशन के बाद, मीटर यूज नहीं करते, यूनिट यूज मत करना। लास्ट में जब निकाल लोगे फाइनली आंसर, तो वहां पर आपको यूनिट देना जरूरी है। तो पाए आर प्लस 2 आर इक्वल टू 72। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, तो इसको चलो सॉल्व करते हैं। कितना पाई का वैल्यू पुट करो यहाँ पर, 22/7, 22/7 इंटू आर प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 आर इक्वल टू 72। तो 22/7 इंटू आर करोगे तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, 22R/7, ये हो जाएगा ना इंटू करने से, प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 2 आर इक्वल टू 72। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो 20, अब मुझे बताओ 22R/7 प्लस 2R, क्या ये दोनों लाइक टर्म्स हैं? यस, लाइक टर्म्स हैं, अलजेब्रा तो पढ़ी होगी। तो लाइक टर्म्स आपस में प्लस हो सकते हैं, हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। तो इसको मैं इसमें इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके एलसीएम ले लो, 2R के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। तो 7 और 1 का एलसीएम कितना होता है, 7 होगा। तो इसको सॉल्व करने से ये हो गया आपका 22R प्लस, ये तो पता है 14R हो जाएगा, 14R इक्वल टू 72। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो 22R प्लस 14R, तो ये कितना हो गया आपका, 36 हो जाएगा आई थिंक। हाँ, 4, 2, 6, 2, 1, 3, यस, 36R। देखो मैं यहाँ पर एक्स लिख दिया, 36R, 36R/7 इक्वल टू कितना हो गया, 72। अब यहाँ पर देखो LHS की तरफ देखो ध्यान से, 7 यहाँ पर देखो डिवाइड हुआ है, तो इधर आएगा RHS की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 72 × 7, देखो मेरा चार्ज भी खत्म हो गया, सारे प्रॉब्लम्स पढ़ाते वक्त ही आते हैं। एक मिनट रुको थोड़ा।
ठीक है, तो आर का वैल्यू निकालो। तो आर का वैल्यू कैसे निकलेगा, 72 इंटू 7 को वैसे ही रखो। अब बच्चे बोलेंगे सर आपने इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। देखो सुविधा होगा, क्या सुविधा होगा आपको यहाँ पर, आर देखो आपको काटने में तो आसानी होगा। देखो कैसे होगा, तो 72 इंटू 7 को मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, उसको मैंने वैसे ही रखा हूँ। ठीक है, अच्छा तो 36 यहाँ पर जो आर के साथ मल्टीप्लाई था इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा दोनों के साथ। तो अब इसलिए नहीं काटा था देखो, क्योंकि यहाँ पर आसान हो जाएगा आपको। 36 इंटू 2 होता है 72। ठीक है, तो 36 इंटू 2 कितना होता है 72। सो काटो, ये हो गया आपका 2 से कट गया, 36 इंटू 2 72 कट गया। क्या बचा, 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 ये हो गया आपका 14। 14 सेंटीमीटर जो यूनिट को छोड़ा था, हटाया था, उसको लाओ फिर। तो आर का रेडियस का वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया, सेंटीमीटर था ना, मीटर था, मीटर था, तो यहाँ पर मीटर हो गया। आर का वैल्यू कितना हो गया, 14 मीटर। ओके, आर का वैल्यू था कितना, 14। आर का वैल्यू निकला 14 मीटर निकला। तो आर हमारे यहाँ पर निकल चुका है, हमें सवाल में सिर्फ हमें रेडियस के अलावा और कुछ पूछा है, हाँ एरिया भी पूछा है। चलो यहाँ पर साइड में कर लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया तो मिल ही जाएगा देखो, तो एरिया ऑफ, वही लिखना लिखना पड़ेगा आपको, एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पार्क, एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पार्क, क्या फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर बाई टू, ये होता है फॉर्मूला सेमी सर्कुलर का एरिया का। ठीक है, तो यहाँ पर पाई की जगह हम लिखेंगे 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। आर कितना निकला हमारा, आर है 14, हमारा 14, 14 का स्क्वायर। ठीक है, ये ब्रैकेट है, ठीक है, 14 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 करना है हमें, तो इक्वल टू यहाँ पर आ गया ऊपर, यहाँ बीच में रखो उसको इक्वल टू को। ठीक है, तो उसको पहले चलो न्यूमरेटर पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, पहले न्यूमरेटर पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 14 का स्क्वायर मतलब क्या, 14 को दो बार लिखा गया है नीचे यहाँ पर, फिर से यहाँ पे लिखो 2, देखो फिर से इक्वल टू ऊपर आ गया। अरे यार बीच में रहना चाहिए, ठीक है बीच में रहेगा। अब यहाँ पर देखो इसको काटो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो कितना बचा ऊपर, 22, और ये इसको ऐसे कर लो, 2 इंटू 4 कितना, अच्छा इसको वैसे लिख दो, नहीं तो जो बचेगा लिख दो ऊपर, 22 बचा, 2 बचा और 14 बचा, और नीचे कुछ तो रहा ही नहीं, कुछ तो रहा ही नहीं, तो न्यूमरेटर में सिर्फ इतना ही बचता है। ध्यान से देखो न्यूमरेटर में क्या बचता है, 22 इंटू 2 इंटू 14, और नीचे डिनोमेटर में हमारा पहले से कितना था, 2 था, देखो तो 2 2 कैंसिल हो गया यहाँ पर, ऊपर नीचे इंटू इंटू है तो कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, सिर्फ 22 इंटू 14 बचा। जब इसको इंटू कर दो तो आंसर आपका निकल जाएगा, 14 का टेबल तो सबको पता ही होगा, 14 इंटू 2 कितना होता है, 28 होता है, कैरी 2, फिर 14 इंटू 2 फिर 28 फिर से कैरी 2, तो ये 308 हो गया, 308 मीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा एरिया। एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर होगा। अब लोग मीटर स्क्वायर कैसा है, एरिया आप इसे याद याद तो करने के लिए नहीं बोलूंगा मैं, बताता हूँ कहाँ से आया मीटर स्क्वायर। यहाँ पर देखो 14 14 मीटर था ना हमारा, तो 14 का जब स्क्वायर हमने यहाँ पर किया तो यहीं पर बच्चों आपका यूनिट यहाँ पर मीटर स्क्वायर आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, यहीं से आप लिखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि 14 का स्क्वायर यहीं पर था ना, 14 मीटर इंटू 14 मीटर, तो मीटर स्क्वायर आ ही जाएगा ना यहाँ पर। आपको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, साइड में लिख दो मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर लिख दो मीटर स्क्वायर, तो हमारा यहाँ पर आंसर निकल के आता है, एरिया हमारा मिल गया यहाँ पर। तो रेडियस हमें मिला 14, मैं लास्ट में यहाँ पर देयरफॉर करके लिख देता हूँ यहाँ पर। तो रेडियस हमें मिला 14 मीटर कॉमा, एरिया हमारा यहाँ पर निकला 308 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, चलो मेरा काम खत्म, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तब तक के लिए इसको जितना पढ़ाया हूँ इसको समझो, सबसे जरूरी चीज़ प्रैक्टिस करो, पहले देखो कैसे हो रहा है, कैसे मैंने किया, उसके बाद नोट डाउन करना कॉपी में, उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करो। ठीक है, बहुत ईजी सवाल है, हो जाएगा। और नहीं समझ में आया तो बार बार वीडियो देखो, वीडियो तो है ही, जितने बार देख सकते हो देखो, कोई दिक्कत नहीं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय।